की जो एफर्ट्स को रिस्पॉन्ड अच्छा करते हुए बहुत तादाद में लोग यहाँ पे आए। और एट द सेम टाइम अगर आप ये देखें कि यहाँ पे हमने एंड रिजल्ट भी दिए हैं। एंड रिजल्ट क्या है, ट्रायल ले लिए, क्लिनिक्स बहुत सारे लगे, ट्रायल्स बहुत सारे हुए, लेकिन एंड रिजल्ट्स में क्या हुआ कि हम इनको ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, ग्रूमिंग करके ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, खाना पीना सिखा रहे हैं, पढ़ाई सिखा रहे हैं, इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं, फिर इनको 5-6 लीगों में भेज रहे हैं। आई की लड़का हमारा इमरान कादर बिग बैश में खेला। तो ये देखिए सारी एफर्ट्स क्यों, किस लिए की जा रही है। तो मैं इंटरेक्ट करूंगा, तीसरी विकेट कश्मीर की यहाँ पर गिर गई है, 57 पर तीसरा नुकसान हो गया कश्मीर का, एक और विकेट गिर गई। तो स्ट्रगल कर रही है अब कश्मीर की टीम अपने टारगेट की जानेब। शोएब अख्तर से बहादुरी, शोएब भाई आप बता रहे थे कि किस तरह मुख्तलिफ लीग में ये प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उससे जो हौसला अफजाई मिल रही है। देखिए PSL एक एंटिटी है, प्लेयर्स डेवलपमेंट एक और एंटिटी है। इस प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपको एंड रिजल्ट्स में लेके आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, फाइनेंशियल सिक्योर करते हैं आपका, आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं दुनिया में लीग खेलने के लिए। अब डर्बन लीग जैसे हमने खरीदी थी, वहां पे जाकर खेलते हैं, इंग्लैंड में जाकर खेलेंगे। तो आई थिंक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो और कुछ नहीं, और कोई नहीं कर पा रहा था। आई थिंक हैड्स ऑफ लॉर्ड क्लांदर, राना फवाद, आतिफ, जमीन आदि डन अप। एट द सेम टाइम आई वुड से के दैट बी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल एंटिटी और विश देम कीप देम गोइंग। बिल्कुल, थैंक यू शोएब भाई। राना फवाद साहब से मुझे इस तरह शान ने भी बात की कि प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में दूसरे खेलों को भी अपने अम्ब्रेला में लेना चाहिए और भी चीज़ों को उसमें सपोर्ट करना चाहिए। तो बिंग चेयरमैन ऑफ लाहौर कलंदर साहब किस तरह समझते हैं कि इसको किस तरह एक्सपेंड करेंगे और मजीद प्लेयर्स को, मजीद एथलीट्स को अपने अम्ब्रेला में कैसे लाएंगे। मैं तो सबसे पहले शान का बहुत शुक्र हूँ कि ये लाहौर की पहचान है और आपने देखा कैसा इनको ज़बरदस्त लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। शोएब अख्तर और इंजमाम, मैं जितनी इनकी तारीफ करूं उतनी कम है कि इन्होंने इन बच्चों को होप दी है, इतना बड़ा